Now there are different mating systems that influence sexual selection. So इस तरीके के मेटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जो सेक्सुअल सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जो कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, और या जो दो चीज़ें कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन एंड वेरियंस इन मेटिंग सक्सेस. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट अगर हम केस लें, दे अगर इस तरीके का मोनोगैमी कंडीशन कब बोली जाती है. मोनोगैमी का मतलब ये होता है कि ऑल द मेल्स दे हैव सेम मेटिंग सक्सेस. ओके, सो लाइक यू कैन सी इन द फिगर, ऑल द मेल्स हैव सेम मेटिंग सक्सेस, दैट इज इक्वल टू वन मेट, वन मेल इज इक्वल टू वन फीमेल. देन देर इज मॉडरेट पॉलीगाइनी. मॉडरेट पॉलीगाइनी में क्या होगा कि कुछ मेल्स का बिल्कुल भी मेटिंग सक्सेस नहीं है, जीरो मेट्स के साथ जीरो मेटिंग है. कुछ मेल्स जो हैं उनका सक्सेस विद वन मेट है, कुछ मेल्स जो हैं वो मोर देन वन हो गया, तो टू मेट्स हो गया. तो इट इज मॉडरेट पॉलीगाइनी. अब ये जो स्ट्रॉन्ग पॉलीगाइनी होती है, इसमें एक सिंगल मेल जो है वो बहुत सारी फीमेल्स के साथ मेट कर पा रहा है. सो इसको हम बोलेंगे, फॉर एग्जांपल वन मेल क्या इज मेटिंग विद द एट फीमेल्स, सो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पॉलीगाइनी. सो इसके एग्जांपल है, जैसे हेरम्स के अंदर पॉलीगाइनी की कंडीशन देखी गई है, हेरम पॉलीगाइनी बोलते हैं. तो एलिफेंट सील्स के अंदर जो आप फर्स्ट फिगर देख रहे हो, इनमें ब्रीडिंग फीमेल्स जो होती हैं वो एक जगह पे क्लस्टर कर जाती हैं बीचेस में, एंड दे अलाउज मेल्स टू डिफेंड अ हैरम. इनके ग्रुप को हैरम बोला जाता है. सो दे ये जो क्लस्टर बन जाता है, इट अलाउज द मेल्स टू डिफेंड अ हैरम ऑफ मेनी फीमेल्स एट वंस. सो जैसे फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो, मेल एलिफेंट सील जो है, इसका जो वेट होता है अराउंड 3x 3 times मोर होगा फीमेल से. मेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज हाईली वेरिएबल. एट इंडिविजुअल मेल्स इनसेमिनेटेड 340 फीमेल्स इन वन स्टडी. तो एक रिसर्च की गई थी जिनमें उन्होंने ये चीज़ देखी थी, जिसमें कि 8 मेल्स ने 348 फीमेल्स के अंदर जो है वो सीमेन को डिपॉजिट किया था. मेटिंग सक्सेस इससे स्टडी किया गया था. और यहाँ पे आप केस देख रहे हो, बुल मेल एलिफेंट सील जो है, इट दे आर एंगेजिंग इन वॉयलेंट ब्लडी फाइट्स फॉर फीमेल्स ओनली. ठीक है, सो जितना बड़ा साइज होगा, लार्ज साइज जो है वो ऑब्वियसली एक एडवांटेज देता है एक फीमेल कॉम्बैट जो है एक लड़ाई के अंदर फॉर फीमेल के अंदर. सो दूसरा एक एग्जांपल है लैकिंग पॉलीगाइनी. लैकिंग बिहेवियर के ऊपर आपके यूजीसी के ऊपर जो है एनिमल बिहेवियर में क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो लैकिंग क्या होती है? लैकिंग एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर कि आप देख रहे हो, जैसे कि ये है, मेल्स जो है वो एग्रीगेट कर जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिनको लैक्स बोला जाता है, और फिर वो उस एरिया में डिस्प्ले करते हैं फीमेल्स के लिए. फीमेल डिस्प्ले फॉर दी फीमेल्स. सो ब्लू कलर में मेल्स शो किए गए हैं और ये पिंक में आपको फीमेल्स जो है वो शो की गई हैं. सो ये जो पूरा आपको ग्रुप दिख रहा है एग्रीगेट, ये लैक बोला जाता है. सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि मेल्स दे मे फाइट फॉर ए पोजीशन. यहाँ पे जो है मेल्स के बीच में आपस में लड़ाई होती है ग्रुप में सेंटर पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि जो सेंटर पोजीशन में रहता है फीमेल उसको चूज करती है. तो ये एक लैकिंग बिहेवियर होता है. सो फीमेल चॉइस जो है, इट इज फीमेल चूजेज अ मेट ऑफन जो डोमिनेंट मेल होता है या तो इनमें से, या फिर जो मेल सेंटर में रहता है. तो इसीलिए जो मेल में कॉम्बैट रहता है वो सेंटर पोजीशन को ऑक्यूपाई करने में रहता है. देन टेरिटोरियल डिफेंस पॉलीगाइनी भी देखी गई है. टेरिटरी हमें पता है एक ऐसा एरिया होता है जो एक एनिमल्स जो हैं वो डिफेंड करते हैं अपने एरिया को डिफेंड राइवल्स के अगेंस्ट. सो टेरिटरीज जो है वो ज़्यादातर मेल्स डिफेंड करते हैं, वैसे तो दोनों सेक्स करते हैं लेकिन ज़्यादातर मेल्स देखे गए हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेज, जैसे कि फूड के लिए हो गया, प्रीडेटर्स की वजह से हो गया, तो काफ़ी वजहों से किया जाता है. क्या डिफेंड किया जाता है, मैंने आपको बताया कि फूड, बास्किंग साइट्स हो गई, डेंस हो गई, हाइडिंग प्लेसेस हो गई, इनके लिए. सो ये एक सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई है. अगर फीमेल मेल, इफ़ फीमेल चूज मेल टेरिटरीज बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज, अगर खाने के बेस पे वो चूज़ कर रही है तो वो अलग तरीके की सिलेक्शन होगी. ज़्यादातर स्पीशीज के अंदर जो है मेल्स टेरिटरीज इस तरीके से बना लेते हैं फीमेल्स के अराउंड, तो जिसमें कि वो डिफेंस के अकॉर्डिंग जो है फीमेल चूज़ करती है कि कौन सा मेल जो है वो बेटर डिफेंस कर पा रहा है एक टेरिटरी में. तो ये मेल कॉम्बैट का अगेन एक आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है. डियर्स के अंदर नॉर्मली जो है फाइट होती है थ्रू देयर हॉर्न्स, सो टू ऑब्वियसली टू चूज टू अट्रैक्ट अ फीमेल. सो रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो इस पे डिपेंड करता है. तो इस ये स्टडी आपको दिखाई गई है, तो इसमें एक रिप्रोडक्टिव सक्सेस इट इज़ मोर वेरिएबल इन मेल्स दैन फीमेल्स, क्योंकि कॉम्बैट जो है वो मेल्स में रहता है.
टू ऑक्यूपाई अ फीमेल, और कुछ स्टैग्स जो होते हैं डियर्स को बोला जाता है दे नेवर रिप्रोड्यूस, और कुछ स्टैग्स जो हैं वो 24 ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इतनी वेरिएशंस देखी गई हैं स्टैग्स के अंदर. इसके अलावा और भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव रिप्रोडक्टिव टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं कई एनिमल्स के अंदर, कि जैसे कुछ स्पीशीज़ में कुछ एग्रेसर की तरह काम करते हैं, कुछ सिर्फ स्नीकर्स होते हैं, कुछ सिर्फ गार्डर्स होते हैं. तो डिपेंड करता है फीमेल इन तीनों में से किसको चूज़ करती है. तो ये अलग अलग टैक्टिक्स होते हैं. सो एक सेक्स रोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. इसमें मैचो मेल्स या चूजी फीमेल्स क्या होती हैं, वाई डू मेल्स एंड फीमेल्स फॉल इन टू ये टिपिकल सेक्स रोल्स में क्यों वो अपने आप को ऑक्यूपाई करवाते हैं. सो बेसिकली एक बेटमैन प्रिंसिपल था जो दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो सेक्स मेल या फीमेल ज़्यादा इन्वेस्ट करता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, इट विल बिकम अ लिमिटिंग रिसोर्स ओवर विच द अदर सेक्स कॉम्पीट्स. सो ये सेक्सुअल सिलेक्शन होता है. तो ध्यान से अगर आप सुनो, द सेक्स विच इन्वेस्ट द मोस्ट इन offspring will become a limiting resource over which the other sex competes. तो जैसे कि जो पेरेंटल केयर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो एक लिमिटिंग रिसोर्स की तरह होगा. जैसे कि फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि उनको एग्स की केयर भी करनी है, पेरेंटल केयर भी करना है, एग्स को न्यूट्रिशन भी देना है. सो यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, आइसोगैमी एंड गैमेटिक इन्वेस्टमेंट. एंड आइसोगैमी का मतलब कि अगर फीमेल और फीमेल के गैमेट्स में अगर एग्स और स्पर्म्स में डिफरेंस ऑफ साइज होता है तो आइसोगैमी बोलते हैं. तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, साइज की बात आ गई. गैमेटिक इन्वेस्टमेंट का मतलब स्पर्म्स जो हैं वो चीपर रहते हैं एग्स के, क्योंकि स्पर्म्स के अंदर कंटेंट कम है, मटेरियल कम है, एग्स के अंदर उतना ही मटेरियल, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए. ठीक है, तो इसकी वजह से जो फीमेल्स है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है. दिस प्री डिस्पोजेस फीमेल्स टू एट ग्रेटर लेवल ऑफ पेरेंटल. तो उसको पेरेंटल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है फीमेल को. अपना सारा जो है उसने अपनी कलरेशन को अच्छा नहीं करना है, उसने अपनी ब्राइटली कलर्ड प्लूमेज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है. जैसे कि बर्ड्स में देखा गया है कि जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं वो हमेशा मेल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. वो इसीलिए होते हैं क्योंकि फीमेल ने सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने एग्स को देनी है, अपनी ब्रीडिंग में देनी है, रिप्रोडक्शन में देनी है, उसने प्लूमेज में नहीं देनी है. मेल्स कैन इजीली प्रोड्यूस इनफ स्पर्म, इतने स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं कि वो फीमेल के सारे एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं. लेकिन उल्टा इसका रिवर्स जो है वो सही नहीं है. सो इसका मतलब मेटिंग अपॉर्चुनिटी लिमिट्स मेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, फेकंडिटी लिमिट्स रिप्रोडक्टिव लिमिट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस. तो दोनों का ऑल्टरनेट है. इधर एक पॉलीएंड्री टर्म होती है. पॉलीएंड्री में जकानास के अंदर ही आप देख रहे हो बर्ड्स जो होती हैं ये हैरम पॉलीएंड्री सेम ये शो करते हैं. मेल्स जो हैं छोटी छोटी टेरिटरीज को मेंटेन करके रखते हैं, मेल्स पेरेंटल केयर भी परफॉर्म करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स जो हैं वो मल्टीपल मेल्स के साथ मेट करती हैं एंड देन एग्स छोड़ के वो एंड देन दे लीव द एग्स विद द मेल्स. तो मेल्स के ऊपर ये सारा कुछ आ जाता है पेरेंटल केयर. तो नंबर ऑफ मेल्स अ फीमेल मेट्स, कितने मेल्स के साथ एक फीमेल जो है वो मेट कर रही है, वो डिटर्मिन करता है उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस. क्योंकि उसको एग के लिए कोई केयर नहीं करना है, उसको पेरेंटल केयर नहीं करना है. अल्टीमेटली उसका सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, रिप्रोडक्टिव, कि वो कितने मेल्स के साथ मेट कर पा रही है. देन ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जकानास के अंदर फीमेल्स लार्जर होती हैं इसके अंदर मेल से 60% ज़्यादा होती हैं, जो बर्ड्स में नहीं होता ज़्यादातर. एंड फीमेल्स उल्टा है दे एग्रेसिवली फाइट अदर फीमेल्स, फीमेल फीमेल यहाँ पे लड़ाई होती है, इवन अपने चिक्स को भी इन्फेंटिसाइड कर देती है टू पोजेस दी मेल. सो अगेन ये पॉलीएंड्री जो है फेवर कब की जाती है, पॉलीएंड्री तब फेवर की जाती है जब मेल्स जो हैं वो दे बिकम दी लिमिटिंग रिसोर्स, कम होते हैं. तो जब ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग को लो ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल रिक्वायर्स मेल पेरेंटल केयर चाहिए होता है उस टाइम पे मेल्स के पास, मेल्स को ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एफर्ट डालना पड़ता है और उनका खुद का रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो उस टाइम पे कम हो जाता है. सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, सेक्सुअल सेलेक्शन इट इज़ स्ट्रॉन्गर ऑन फीमेल्स दैन दी मेल्स. सो ये पॉलीएंड्री स्पीशीज के कुछ एग्जांपल हैं. देन इंटर एंड इंट्रा मैंने आपको बताया है कि इंट्रा के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे विदिन अ सेक्स कंपटीशन चल रहा है, मेल मेल कॉम्बैट चलेगा, स्पर्म का कंपटीशन रहेगा, फीमेल कंपटीशन पॉलीएंड्री में रहेगा. सो ये थ्योरी जो है इंट्रासेक्सुअल की आज की डेट में भी एक्सेप्ट की गई है. इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर जो है वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रही है क्योंकि इसमें फीमेल चॉइस आ जाती है. तो फीमेल चॉइस करती है कि उसको किसको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू ऑर्नामेंट्स या वीपन्स ऑफ द एनिमल्स. फॉर तो जैसे एग्जाम्पल है लॉन्ग टेल्ड विडो बर्ड है ये,
तो ये इसकी टेल लेंथ जो है इसका मेल ऑर्नोमेंट्स ये मेल्स में प्रेजेंट होती है. सो जिन मेल्स के अंदर बहुत अननेचुरली लॉन्ग टेल्स होती हैं वो अनयूजुअल लॉन्ग टेल्स जो है वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करती हैं अवे फ्रॉम द नेस्ट ऑफ द नॉर्मल मेल्स, और या फिर जिन मेल्स की शॉर्टन टेल्स हैं तो ये देखा गया है कि ये होती हैं. तो हाइपोथेसिस दी गई थी मेल ऑर्नामेंट्स के, तो रोनाल्ड फिशर्स जो हैं फिशर्स रन अवे हाइपोथेसिस एक काफ़ी यूजीसी वगैरह के पेपर्स में पूछी जाती है. तो मेट चॉइस ये कहते हैं कि मेट चॉइस ओरिजिनली इवॉल्व कब हुई, ये क्यों इवॉल्व हुई, टू फैसिलिटेट अडेप्टिव चॉइस फॉर ट्रेट्स ताकि सर्वाइवल एडवांटेज मिल सके. फीमेल इस तरीके के मेल को चूज़ करे जिससे कि उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो उस तरीके के मेल को चूज़ करेगी जिससे कि वो बेनिफिशियल जीन्स जो हैं वो आगे उसके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे. एक बार फीमेल की प्रेफरेंस अगर आ जाती है तो ऐसे जीन्स जो कि उसको लगता है कि उसके ऑफस्प्रिंग में सर्वाइवल एडवांटेज देंगे तो वो उसको आगे कंटिन्यू लेके जाएगी. ठीक है, सो ये हाइपोथेसिस दी गई थी मेल ऑर्नामेंट्स के ऊपर. और एक ये जहाबीज हैंडीकैप हाइपोथेसिस जो है अगेन यूजीसी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इसमें इन्होंने ये बोला कि जो एक्स्ट्रावेगेंट मेल्स के जो जैसे हमने पीकॉक की जो टेल बताई है वो इतने कॉस्टली होते हैं, उनको इतनी कॉस्ट देनी पड़ती है वो बनाने के लिए टू डेवलप एंड मेंटेन करना. सो चूजिंग अ मेट जिसके पास गुड जीन्स हैं अच्छे जीन्स हैं उससे ऑनर उसके लिए ऑनर सिग्नल चाहिए, जेनेटिक क्वालिटी चाहिए होती है. सो ऐसे मेल्स जो अच्छी कंडीशन में हैं जिनके पास अच्छे जीन्स हैं दे विल बी एबल टू फुल्ली डेवलप एंड मेंटेन, वो ऑर्नामेंट मेंटेन कर सकते हैं. तो ये जहावीज हैंडीकैप हाइपोथेसिस जो है वो इसको बोलता है. सो ये आपको लॉन्ग टेल वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है. फीमेल चॉइस उसको करती है जो अट्रैक्टिव उसको लगता है वहाँ पे, फिशर्स रन अवे मॉडल जो था एंडियन. देन ये सेक्सुअल सिलेक्शन आपको मैंने बताया, ये मेटिंग सक्सेस के लिए ये अब टॉपिक आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ है. नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डिफरेंट है, वो दोनों सेक्सेस को फेवर करती है, लेकिन सेक्सुअल सिलेक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव एडवांटेज लेती है. ठीक है, फेकंडिटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. फेकंडिटी का मतलब ये होता है, सिलेक्शन ऑन फीमेल फेकंडिटी का मतलब ये है कि वो कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, जितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है उतनी अच्छी जो है वो उस रिप्रोडक्टिव उसकी फेकंडिटी होती है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी मेटिंग सक्सेस. मेटिंग सक्सेस का मतलब है एक फीमेल जो है वो मेल के साथ मेटिंग कितने मेल्स के साथ मेटिंग कर पा रही है. फेकंडिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस कर पा रही है. ठीक है, सो इन मेनी स्पीशीज जहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो बड़े साइज में होती हैं डायमॉर्फिज्म इज टू रिफ्लेक्ट दी फेकंडिटी सिलेक्शन, जो कि फीमेल का लार्जर साइज उसको फेवर करता है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा वो एग्स को कैरी कर सकती है, नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा हो सकते हैं उसको कैरी कर सकती है.